नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन कुमार गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आकाश मुद्रा के बारे में। आकाश मुद्रा एक बहुत ही अहम हस्त मुद्रा है जो लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, दांत गिरने शुरू हो गए हैं, जबड़ा लॉक हो गया है, लॉक जा की प्रॉब्लम है, कानों की समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले में कफ बना रहता है। इन सब समस्याओं से मुक्ति कर के लिए आकाश मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। कैसे करते हैं इस मुद्रा का अभ्यास, चलिए इस बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपकी जो मध्यमा उंगली है, मिडल फिंगर है, उस उंगली को आप अंगूठे की टिप के साथ लगाते हैं और बची हुई तीन उंगलियां सीधी रखते हैं, यानी कि जो आपकी मध्यमा उंगली है वो अंगूठे की टिप के साथ लगी होनी चाहिए और बची हुई तीन उंगलियां सीधी होनी चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो जब आप मध्यमा उंगली और अंगूठे की टिप एक साथ लगाते हैं उस पर दबाव बनता है तो शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण हस्त मुद्रा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा के रेगुलर अभ्यास करने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और साथ में शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, कैल्शियम की कमी दूर होती है। कैल्शियम बढ़ने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कम हो जाती है, जबड़ों का अगर कोई लॉक हो गया है, जबड़ा जकड़न है आपके जबड़े में, जबड़ा मुंह पूरा खुलता नहीं है, तो इससे भी काफी हद तक आपको फायदा मिलता है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है और आकाश ध्वनि से जुड़ा हुआ है, तो कानों से संबंधित रोगों में भी इस मुद्रा में बहुत फायदा मिलता है। मध्यमा उंगली हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, आपके हृदय को रिप्रेजेंट करती है, तो हार्ट रोग में भी इस मुद्रा को अभ्यास करने से फायदा होता है। ब्लड प्रेशर अगर बड़ा हुआ है तो उसको कम करने में मदद मिलती है। मध्यमा उंगली शनि का प्रतीक है और शनि अध्यात्म का प्रतीक है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ता है। अगर गले में या चेस्ट में कोई कफ जमा हो जाता है तब इस मुद्रा के रेगुलर अभ्यास करने से चेस्ट कंजेशन या थ्रोट कंजेशन में भी फायदा मिलता है। ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है, खास तौर पे जो बच्चे कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं, दांत कमजोर हो गए हैं, इन समस्याओं की मुक्ति के लिए इस मुद्रा का लगातार अभ्यास करें। 15 मिनट से 45 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। एक बार ना कर पाए तो 10-15 मिनट सुबह, दोपहर और शाम इस मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करें और आपकी दांतों की और हड्डियों की समस्याओं से, कैल्शियम की कमी से जो आपकी समस्या है उसे दूर करने में ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आगे की वीडियोज की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल बटन को प्रेस जरूर करें। सुखी रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।